प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण भारत के उज्ज्वल भविष्य की तरफ इशारा करता है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को स्पेशल धन्यवाद दिया। कहा उन्होंने एनडीए को 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद सिर आंखों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने अखबारों पर भी ताले लगाने की कोशिश की थी, अब देश को तोड़ने का नैरेटिव उस कांग्रेस ने गढ़ना शुरू कर दिया। अब देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। अब संसद की कार्यवाही शनिवार 10 फरवरी तक चलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि दिव्य और भव्य अयोध्या भगवान राम के मंदिर बनने के बाद विश्व के मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए ली जा रही जमीनों का उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का आज फीताकाट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने शाखा का अवलोकन भी किया। बागपत में प्राचीन टीले को लेकर 53 वर्ष बाद हिंदुओं के पक्ष में आए फैसले के बाद बढ़ाई गई लाक्षाग्रह की सुरक्षा। पुलिस और पीएसी के जवान चेकिंग के बाद ही लोगों को लाक्षाग्रह में जाने की दे रहे हैं अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। व्यास तलग्रह में पूजा के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधानसभा के सभी सदस्य 11 फरवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के करेंगे दर्शन। सभी सदस्यों को विधानसभा से अयोध्या तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता और कल्किधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी को दिया कल्किधाम का न्योता। कहा भगवान राम सबके हैं, मैं भगवान राम का हूं, मैं सभी को कल्किधाम आने का निमंत्रण दे रहा हूं। बाराबंकी में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। 10 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 38 लाख करोड़ रुपए के समझौतों का धरातल पर लाने के लिए 19 फरवरी को भूमि पूजन समारोह का आयोजन होगा। धरातल पर उतरेंगे 10 लाख करोड़ के एमओयू। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में फिलहाल किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में दी जानकारी। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। दो महीने बाद भी अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत पूरी प्रक्रिया पूरी करने पर कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासन भी दिया गया था। स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज यूएई में पहले हिंदू मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए अबुधाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने हापुड़ और अमरोहा में विद्युत आपूर्ति बाधित होने और इस संबंध में गलत रिपोर्ट देने के आरोप में हापुड़ के अधीक्षण अभियंता यूके सिंह तथा अवर अभियंता उदयराज को किया निलंबित। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत एआई कैमरों से शहर की सुरक्षा हो रही है। नगर आयुक्त अमिता आसेरी ने बताया कि शहर में प्रमुख जगहों पर 578 कैमरे लगाए गए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद आज आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा इस यात्रा से भारत और बांग्लादेश की मजबूत साझेदारी को और गति मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। वह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक्टिव था। उसके पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ है।